क्योंकि वो हेमंत करकरे जैसे मर्द मुजाहिद के खिलाफ जो है वो बात कर रही है कि हेमंत साध्वी प्रज्ञा 2008 बम ब्लास्ट की मुजरी में आरोपी है और इसकी टू व्हीलर पे बम रखा गया था रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ये ब्लास्ट हुआ और हेमंत करकरे साहब ने पूरी तरह से इंक्वायरी करके सच्चाई पे रहते हुए पूरे सबूत के साथ उसे गिरफ्तार किया और हर सबूत रखा, मगर उस वक्त के फिरका परस्त और आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची गई जो देश के लिए ख़तरनाक थी। अगर इसको बिट्टू चौक बम ब्लास्ट की जगह नहीं रोका जाता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तो ये और जगह ऐसे ही वारदात करती और इस देश को टुकड़े टुकड़ा करने की सबब बन जाती। हेमंत करकरे साहब मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर इस पे इनको गिरफ्तार किया। इस सर्विस चली जाए मगर उनकी ईमानदारी नहीं जाए, ऐसे वो हेमंत करकरे थे। और उनके बारे में ये ऐसा बोलते हैं साध्वी प्रज्ञा, वो आरोपी है कि मैंने उसका सर्वनाश करने के लिए उसको बद्दुआ दी कि तू मर जाएगा, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश को संभालेगा कौन? जो छुप कर बम रखते हैं वो संभालेगा या फिर जो इस जमहूरियत डेमोक्रेसी की हिफाजत हमारे भारत में सबका साथ सबका विकास ये सब का नारा देकर मोदी जी वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद मोदी जी अगर सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो ऐसे लोगों को उम्मीदवारी ना दें जो देश में मुजरी है। उम्मीदवारी मिल रही है इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं मालेगांव के आवाम को? आपके सवाल में जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह का है। साध्वी प्रज्ञा सिंह को जो भोपाल से उम्मीदवारी बीजेपी ने दी, ये मुसलमानों के ज़ख़म पर नमक छिड़का, क्योंकि मुसलमान साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर ज़ख्मी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह 2008 बिक्कू चौक बम ब्लास्ट की आरोपी है और इस वक्त तो ज़मानत पर रहा है और ये ज़मानत भी जो है तो उसने जो है तो कोर्ट को धोखा दे के ली, क्योंकि कोर्ट को उन्होंने लिखा कि भाई मैं जो है तो मेरे ऊपर इतने अत्याचार हुआ कि मैं जो है तो चलने फिरने के लायक नहीं हूँ, बैठने के लायक नहीं हूँ और एक मुजरिम अर्ज़ में मैं गिरफ़्तार हूँ, इसलिए कोर्ट जो है मुझे ज़मानत दे। कोर्ट ने ज़मानत दी। कोर्ट की ये ज़मानत भी हम समझते हैं कि हुकूमत की भाजपा की पुश्तपनाई की बुनियाद पर मिली। अब ज़मानत मिलने के बाद जो है तो दोबारा जो है तो वो हुकूमत जो है उसको जो है वो भाजपा अपनी पार्टी में ले लेती है और पार्टी में लेने के बाद भोपाल से जो है तो उसको उम्मीदवारी दे जाती है। ये काबिल मज़म्मत है। हम जो है हुकूमत से और कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी ज़मानत रद्द की जाए, क्योंकि हेमंत करकरे को मैंने बद्दुआ दी और वो मर गया। अरे हेमंत करकरे इस देश का वफादार है और हेमंत करकरे ने देश की शांतता के लिए देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी है। हेमंत करकरे को, हेमंत करकरे की ख़ानदान को हमारा सलाम है कि उसने जो है देश के शांतता के लिए और देश पर जो है अपनी कुर्बानी उन्होंने दी। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह को जो ज़मानत दी गई ये ज़मानत भी फौरी तौर पर रद्द की जाए और बीजेपी के इस फैसले को बीजेपी को हम कहेंगे कि वो नज़रसानी करे, क्योंकि उसने जो है एक ऐसे आरोपी को जो है उम्मीदवार बनाया जो मालेगांव बम ब्लास्ट की जो है असल मुजरिम है, क्योंकि इसी के टू व्हीलर पर जो है बम ब्लास्ट रखा गया और बम ब्लास्ट हुआ। मैं भाजपा से कहूँगा
कि भाजपा ने जो ये जो कुछ किया है, आज जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह को उम्मीदवारी दी और उम्मीदवारी देने के साथ साथ पार्टी का मेंबरशिप भी दी, ये सबका विकास सबका हम साथ नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो उस वक्त होता कि साध्वी प्रज्ञा सिंह मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट की असल मुजरिम है, इसको उम्मीदवारी नहीं देते और इसको जो है पार्टी में भी शामिल नहीं करते, क्योंकि ये खोखला नारा सबका साथ सबका विकास है। हम मजम्मत करते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह की, क्योंकि उसने कहा मुझे फ़क्र है मैंने बाबरी मस्जिद गिराया और बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़कर जो है मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया। इस पर जो है जब पूछने वाला इनसे पूछता है तो कहती है कि